हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम लोग सिंथेसिस ऑफ सल्फा एसीटामाइड सीखने वाले हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले सल्फा एसीटामाइड का स्ट्रक्चर निकालना है दोस्तों। तो सल्फा एसीटामाइड के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है दोस्तों, देखो सबसे पहले एक बेंजीन रिंग होती है, उसके बाद एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक सल्फोनील ग्रुप होता है और एक एसीटामाइडो ग्रुप होता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले सिंथेसिस के लिए हमें बेंजीन रिंग बनानी है दोस्तों। उसके बाद इस बेंजीन रिंग का हमें दोस्तों नाइट्रेशन करना है। तो दोस्तों, जब हम लोग नाइट्रेशन करते हैं तो रिएजेंट कौन से यूज करते हैं दोस्तों, HNO3 या नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 का कॉम्बिनेशन दोस्तों। ये याद रखना है दोस्तों आपको हर टाइम पे। उसके बाद जब हम लोग नाइट्रेशन करेंगे बेंजीन का, तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, सिंपली नाइट्रोबेंजीन मिलेगा, सिर्फ हमें NO2 ऊपर लगाना है दोस्तों। जब हम लोग दोस्तों इस नाइट्रोबेंजीन का सल्फोनेशन करेंगे दोस्तों विथ हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो दोस्तों हमें सिंपली क्या मिलेगा दोस्तों, 4-sulfonyl-nitrobenzene। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये फोर्थ पोजीशन पे सल्फोनील ग्रुप है, इसलिए इधर 4-sulfonyl आया और सिंपली नाइट्रोबेंजीन लिख दिया दोस्तों। इसके बाद हमें ये रिंग का जब हम लोग PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, फोर नाइट्रो बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। हम लोगों ने दोस्तों इधर बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड को पेरेंट रिंग लिया है, इसलिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये नंबरिंग आएंगे दोस्तों। और फोर्थ पोजीशन पे क्या है दोस्तों, नाइट्रो ग्रुप है, इसलिए इधर नाइट्रो आया दोस्तों। इसके बाद जब हम लोग ये रिंग का जब हम लोग SN और SCl के साथ जब रिडक्शन करेंगे दोस्तों, तो हमें दोस्तों सिंपली क्या मिलेगा, जो NO2 ग्रुप है ना दोस्तों, उसका सिर्फ अमाइनो ग्रुप हो जाएगा। रिडक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, इसलिए O के जगह पे सिर्फ इधर H आ गया दोस्तों, बाकी सब सेम रहेगा दोस्तों। तो इधर क्या नाम आएगा दोस्तों, 4-amino-benzene-sulfonyl-chloride। उसके बाद दोस्तों हम जब कॉन्सेंट्रेटेड NH4OH के साथ जब रिएक्शन करेंगे दोस्तों ये स्ट्रक्चर का, तो हमें दोस्तों क्या मिलेगा, सल्फानिलामाइड का दोस्तों स्ट्रक्चर मिलेगा हमें। जब हम लोग दोस्तों ये सल्फानिलामाइड को एसेटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे दोस्तों, तो हमें दोस्तों क्या मिलने वाला है दोस्तों, NHCOCH3SO2NHCOCH3। हम लोगों ने दोस्तों क्या ऐड किया है, देखो इधर सिर्फ H निकाल के COCH3 ऐड किया, इधर भी H निकाल के दोस्तों COCH3, मतलब क्या एसिटाइल ग्रुप ऐड किया और N पे ऐड किया, इसलिए हम लोग क्या रिएक्शन को नाम दे सकते हैं, N एसिटाइलेशन। उसके बाद जब हम लोग दोस्तों ये स्ट्रक्चर का जब हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो दोस्तों हमें फाइनली सल्फा एसीटामाइड का स्ट्रक्चर मिलेगा दोस्तों। देखो दोस्तों, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस मतलब दोस्तों, हाइड्रोलाइसिस मतलब क्या होता है,
ब्रेक डाउन ऑफ लिंकेज विथ हेल्प ऑफ दी वाटर मॉलिक्यूल। तो दोस्तों इधर देखो, हम लोगों ने ये लिंकेज ब्रेक किया है दोस्तों, इधर एच लगाया और इधर ओ एच लगाया, तो क्या बाहर निकलेगा दोस्तों? एसेटिक एसिड। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।